दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं ये दुआ करता हूं कि ये बीमारी दूर हो जाए और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए देना चाहता हूं। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन था 2 जनवरी को। इस अवसर पर मुझे चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि इतना प्यार मिला, इतने मोहब्बत मिली और इतने मैसेज आए मेरे मोबाइल में कि मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके, फ़ोन करके और मेरे जो भी फ़ोटो है वो लेकर अपनी डीपी पर रखा है और फेसबुक पर डाला है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, यूं ही प्यार करते रहें, यूं ही मोहब्बत देते रहें और सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। पैसा तो कोई भी कमा ले सकता है, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती है, ये हमने देखा है। और बहुत सारे करोड़पति रहने के बाद भी, करोड़पति अरबोपति रहने के बाद भी उनको इज्जत नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग पैसे नहीं रहते पर भी उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। और मेरे चाहने वाले और मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो भी है, मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत मैसेज करके मुझे मुबारकबाद दी है। और मेरे पत्रकार सेवा संघ के जितने भी पत्रकार लोग हैं मेरे यहाँ पर आज की न्यूज़ ऑफिस पर आकर, उन्होंने मेरा सत्कार किया है और शाल डालकर, फूल का हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्होंने मेरा सत्कार किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता रहूंगा। और सबसे ज़्यादा इज्जत और सबसे प्यारे और सबसे अच्छे मेरे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन्होंने वीडियो के ज़रिए मेरे जन्मदिन का वीडियो बनाकर मुझे मुबारकबाद दी है और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी जिन्होंने भी मुझे वीडियो भेजा है और जिन्होंने भी मुझे मैसेज करके मुबारकबाद दी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये न्यूज़ चैनल एक आदिवासी इलाके से होता हुआ मुंबई मायानगरी में अपना नाम कमा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। यूं ही इन लोगों का प्यार और हमारे किनवट के जितने भी दोस्त अहबाब, जितने भी मेरे न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, मुझे दुआ देने वाले हैं, मुझे इज्जत से बोलने वाले हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका धन्यवाद और आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि मेरे मोबाइल में कितने लोगों ने मुझे मैसेज के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से ही मुझे ये देनगी मिली है और ये तोहफा मिला है। ये मैं भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और ऊपर वाला हमेशा सबको खुश रखे और ये 2022 सबके लिए खुशियाँ लाए, यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ सबके लिए। और एक बार ये दुआ करता हूँ कि ये बीमारी दूर हो जाए और 2022 सबके लिए खुशियाँ लाए और हर एक भारतीय खुशहाल नजर आए, यही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार मैं आप सबका आभारी हूँ, आभार और धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे जितने भी लोगों ने जन्मदिन के बारे में मैसेज किया है और जन्मदिन के बारे में बोला है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे मुबारकबाद दी है, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
थैंक यू मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बिग स्टार हैं, बिग कलाकार हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो के जरिए मुझे मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। थैंक यू, और सेफ रहे, हिफाजत से रहे, और फिर से एक बार आप सबका शुक्रिया। थैंक्स।